नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, 26 जनवरी गुरुवार के दिन है वसंत पंचमी। आज के दिन माँ शारदा की होती है पूजा। आज के दिन शारदा माता की, माँ सरस्वती की पूजा करने से व्यक्ति का मन पढ़ाई लिखाई में लगता है। अच्छे नंबरों से स्टूडेंट्स जो है वो पास होते हैं। विद्यार्थियों को हमेशा माँ सरस्वती की पूजा करते रहना चाहिए। जो भी विद्यार्थी वर्ग है हमारा, वो आज के दिन बिना भूले माँ सरस्वती की पूजा जरूर करें। माँ सरस्वती के आगे घी का दिया लगाए, अगरबत्ती लगाए, सफ़ेद रंग के पुष्प माँ सरस्वती को अर्पित करें, माँ सरस्वती की आराधना गाए, माता सरस्वती का श्लोक पढ़े, माता सरस्वती के मंत्र बोले। आज के दिन जो सिंगर्स हैं उन्हें भी माँ सरस्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। विद्यार्थी वर्ग को आज के दिन माँ सरस्वती की मूर्ति ला करके अपने टेबल पर उन्हें विराजमान कर लेना चाहिए, ताकि आप दिन दुगना रात चौगुना प्रगति करें। सुबह उठते ही माँ सरस्वती के दर्शन करें, उन्हें प्रणाम करें और उनके मंत्रों का ज़्यादा नहीं तो 3 बार जरूर जाप करें। ऐसा करने से दिन दुगना रात चौगुना प्रगति होगी। आज के दिन पीले रंग के कपड़े पहने। वैसे जब भी वसंत पंचमी होती है तब पीले रंग के कपड़े पहनने का बड़ा महत्व है, और इस बार तो गुरुवार है तो दोनों ही तरीके से पीले रंग के कपड़े बहुत ही ज़्यादा आपके लिए शुभ साबित होंगे। दूसरा, आज के दिन पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं उनका दान करें। गरीब वर्ग है उन्हें भी, उनके जो बच्चे हैं उन्हें पुस्तकें दें, पेन दें, इस टाइप की चीज़ों का आज के दिन जरूर दान करें। आज के दिन झूठ ना बोले, धोखा ना दें। जहाँ पर भी सफ़ेद पुष्पों का पौधा हो, वहाँ पर माँ सरस्वती के नाम का एक लोटा जल जरूर अर्पित करें। लोटे में एक सिक्का भी जरूर डालें, जो जल अर्पित करने के बाद उस सिक्के को आप किसी भी बच्चे को दान में दे दें। आज के दिन दोस्तों, बिना मुहूर्त आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। कोई भी मांगलिक कार्य हो, आपको मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज का दिन इतना ज़्यादा सुंदर और पावरफुल दिन है। आज जब सुबह आप उठते हैं, हथेली दर्शन करने के बाद माँ सरस्वती को मन ही मन आप प्रणाम करें, और बेड पर बैठे बैठे ही इस मंत्र को आप 7 बार जरूर बोल दें। कहते हैं दिन की शुरुआत जैसी होती है पूरा दिन वैसा ही जाता है। दिन आपका जैसा जाएगा पूरा साल आपका वैसा ही जाएगा। तो इस मंत्र को 7 बार इसलिए बोलें क्योंकि ये केतु प्रधान साल है। तो ये इस साल 7 बार आप जो भी अच्छा कार्य करते हैं, यदि आप 7 बार उसको रिपीट करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। जो भी जितनी भी ये शक्तियाँ हैं तमाम बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही तुरंत, मतलब तात्कालिक त्वरित आपकी मदद करने के लिए प्रेरित होती है। मंत्र है ओम एम सरस्वतीये नमः। ओम एम ऐसे भी दोस्तों, ये दोनों जो बीज मंत्र हैं ये अपने आप में बहुत ही पावरफुल है, लेकिन इसके साथ ही सरस्वती माता का आप नाम भी लें। ओम एम सरस्वतीये नमः 7 बार जरूर बोले उठते के साथ। आप देखेंगे इसका बहुत ही बढ़िया प्रभाव आपको अपने जीवन में दिखाई देगा। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। जय श्री कृष्ण।